दबदबा नाम की जो पिक्चर आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए, और जो आपका प्रोडक्शन हाउस है उससे ये पिक्चर आ रही है, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं और किस तरह की तैयारी चल रही है। जी, ये फिल्म सानवी फिल्म्स और सत्यदेव फिल्म बैनर के तरह दबदबा हम लोग बना रहे हैं। ये हमारे पुरुषा साहब हैं, ये हमारे हीरो विलन, ये दोनों लोग हैं सब मिलके। और ये कहानी है दो भाइयों की, सौतेले भाई हैं, और कहानी और ये हम लोग शूटिंग इसका दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, और यहाँ बॉम्बे से उसका गोरखपुर, और फाइट वगैरह है इसमें काफ़ी फाइट है, गाने वाने हम लोग नेपाल करेंगे। स्टार कास्ट में ये आकाश हैं, कुंदन हैं, शिव हैं, और अपना सुजान भाई हैं, और लड़कियां भी इसमें चार हीरोइने हैं सबके साथ, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, करीब 20-22 कैरेक्टर्स हैं, तो धीरे धीरे आप लोग के सामने आ जाएगा। आकाश, आपसे जानना चाहूँगी आपके किरदार के बारे में, अगर आपको कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम आकाश घेरवार है, और ये बालकिशन जी सर के साथ मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। पहली फिल्म मैंने कंप्लीट की और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस रहा है। इस फिल्म में मैं और कुंदन जी, जिनसे अभी भी मुलाकात हुई, हम दोनों लोग भाई का किरदार प्ले कर रहे हैं, और मैं छोटा भाई बना हूँ और कुंदन भाई बड़े भाई बने हुए हैं। और मतलब जैसा कि अभी मुझे स्टोरी पता चली और जैसा कि हमारी स्टोरी पर डिस्कशन हुआ, तो चीज़ इस तरह से है कि आप लोगों ने अपनी अपने फैमिली में भी और रूटीन लाइफ में देखा होगा कि बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई के लिए एक हमदर्दी रहती है, उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी है। बड़ा भाई एक्शन कर रहा है और वो बहुत टफ एंड रफ एंड टफ टाइप इंसान है, और छोटा भाई का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और ऑलवेज ऐसा है कि छोटा भाई को ये प्रोटेक्ट करता है, और छोटा भाई भी कहीं ना कहीं बड़े भाई के साथ मिलके जो बुराइयां हैं, जो विलनिज्म है, उसके अगेंस्ट ये लोग फाइट कर रहे हैं। ऐसा है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ आए। मैं तो बालकृष्ण सर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। इसमें जो किरदार बालकृष्ण सर ने बताया है वो जो एक ही जो मैं सोचता हूँ उस टाइप का किरदार है। अभी ज़्यादा कुछ तो डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन फुल ऑन एक्शन फिल्म है, और जो दो भाई का हमारा रोल है, फर्स्ट मैं, सेकेंड भाई मेरा, तो फिल्म में आएंगी तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी। बस मेरे सबसे अच्छा ये लगा कि भोजपुरी में जो कम से कम नॉन सिंगर्स को जो एक्टर समझते हैं उसमें बालकृष्ण सर एक डायरेक्टर ऐसे हैं, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा। और बाकी फिल्मों की जो चीज़ जो भी चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज करेंगे जब फिल्म आएगी तब। कुंदन सर, बैक टू बैक काफी आप एक्शन फिल्म कर रहे हैं जी, मैं पोस्टर भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है सर। क्या कुछ तैयारियाँ इस एक्शन फिल्म, मतलब इस फिल्म के लिए क्या कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं एक्शन को लेकर? इसकी तैयारियाँ पिछले एक महीने से चली रही है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें सर ने जिस टाइप का कैरेक्टर बताया है उसमें बहुत रफ एंड टफ बॉडी एंड लुक्स, इस पे काम करना है, तो तैयारियाँ जोरों शोरों से चालू है। बाकी फिल्म आएगी तो पता चलेगा, अभी मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ मैं आप सभी को। बस इतना समझिए कि एक्शन फिल्म है, दो भाइयों की कहानी है, तो ऑडियंस को बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी, एक भोजपुरी में अलग लेवल पे हटके अवधि में बनाने अवधि अवधि हिंदी है जी। तो कृष्ण जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फिल्म का नाम दबदबा क्यों और कैसे? इसमें विलन और हीरो का दोनों का आपस में दबदबा है। जैसे विलन है विनय राणा कैरेक्टर है, उनका एक अलग दबदबा है, और हमारे हीरो का उसका अलग दबदबा है। अब दबदबा के लिए लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सर, आपका संगीत में दबदबा बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे संगीत देते हैं अपने फिल्मों में, किस प्रकार संगीत करेंगे? संगीत भी इसमें बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा भी हम लोग बना रहे हैं। ये अपना दो इसमें ओम झा हैं और संगीतकार अपना आजाद सिंह हैं, दो लोग म्यूजिटेटर हैं इसमें, हम मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। टोटल कितने गाने होंगे? और 5 रोमांटिक सॉन्ग है, 2 पारिवारिक सॉन्ग है, 7 सॉन्ग हैं। सर, आप बताइए कौन से किरदार में नजर आने वाले हैं, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मैं शिव सिंह, और मैं इस फिल्म में बतौर खलनायक आपको दिखूंगा। और जहाँ तक कि खलनायक की भूमिका, सबको मालूम है कि हीरो और खलनायक ये दो ऐसे पहलू होते हैं जिनको मिला के ही एक फिल्म और एंटरटेनमेंट सेक्टर की चीज़ें कंप्लीट होती हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो नाम है दबदबा, जैसा कि अभी बालकिशन भैया ने बताया कि हीरो का अलग दबदबा है, विलन का अलग दबदबा है, किसका दबदबा किस लेवल पे जाएगा ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, स्टोरी के हिसाब से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है और बालकिशन भैया का मेकिंग टेकिंग भी बहुत अच्छा है, तो आप सबका आशीर्वाद प्रेम बना रहे, दैट्स इट। सुजान सर, फिल्म में हंसाने वाले हैं, रुलाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? बालकिशन सर के साथ मेरी ये चौथी फिल्म होगी,
करने जा रहे हैं। हाँ सर, क्या हम समझ जाइए कि अगर हम नहीं है तो अधूरा पार्ट लोग है। राइट। अब सोच लीजिए कि बाप का कैरेक्टर ऐसा है कि बाप जो है तो बाप होगा तभी बेटा होगा, तो हमारे बिना समझिएगा अधूरा ही है लोग, तो नेगेटिव सेड होगा जहाँ तक मैं अभी तो कभी भी जस्ट पता चला है, तो कैसा होगा मिलेगा आप लोग सामने, अभी तो स्क्रिप्ट में फुल एंड फाइनल आई नहीं है, तो जैसा होगा आप लोग के सामने तो हम हैं ही। आकाश जी जी, आपका जो चेहरा है वो गोविंदा की तरह थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। जी जी, अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूं या क्या लूं? कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली। जी जी, क्योंकि गोविंदा सुपरस्टार है। जी जी, बिल्कुल लेजेंड है वो। तो भोजपुरी को लेकर स्पेशली क्या चल रहा है आपके दिमाग में, दबदबा किस चीज का आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अच्छा नज़र आएगा, और जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस होगा उसी हिसाब से उसका दबदबा बनता जाएगा। दैट्स इट। लेकिन सबसे बड़ा दबदबा तो प्रोड्यूसर का होता है सर, आप बताइए सर। मेरा नाम रविशंकर सर, फिल्म प्रोडक्शन के तले बना रहे हैं, इससे पहले भी हम मूवी बना चुके हैं भगवान। सर लेकिन फिल्म बनाने का दबदबा है और सर के साथ कितने एक्साइटेड है काम करने के लिए, क्योंकि सर ने इतनी सारी फिल्में बनाई है, और आप कितने एक्साइटेड है? और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत दिन से हम जानते हैं दोनों, हम दोनों दोस्त हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलावा हम दोनों दोस्त हैं। सर आपने जब उनको सब्जेक्ट के बारे में बताया फिल्म के, क्या रिएक्शन था? और वही मैंने कुछ बताया ही नहीं किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सही कुछ नहीं, सीधा बोले काम करना, बोले काम करना, इसी को तो कहते हैं आपका दबदबा। मैं किसी को कुछ आज बता रहा हूँ, किसी कुछ नहीं बता, सच में कुछ नहीं पता है, वो तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि ऐसी स्टोरी रहेगी। तभी ना लड़कियों को तो हमारे अभी कुछ नहीं पता। सर क्या सवाल, एक्चुअली अगला मेरा सवाल यही था, यहाँ पर इतनी सारी खूबसूरत अभिनेत्रियाँ बैठी है, मेरी नजरें जहाँ जहाँ जा रही हैं, सभी के चेहरे पे यही सवाल है कि मैं हूँ या नहीं इस फिल्म में। हाँ सर, मतलब अभी वक्त बताएगा कौन सा नहीं लेंगे, जो उस लाइक होगा उनको ले लेंगे। आप लोग बताइए कौन से किरदार में नजर आने वाले और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या तैयारियां चल रही है? आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सर ने अभी कहा है कि लड़कियों तो हम बताते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं है, सर बहुत अच्छे इंसान है, मैं मिली कल ही उनसे, पहली बार मिली, आई फेल्ट वेरी होमली, मुझे घर जैसा लगा, क्योंकि मैं भी खुद झारखंड साइड की, बिहार साइड, तो अच्छा लगा। अब मूवी करेंगे तो ऑफकोर्स मजा तो आएगा, मस्ती मजाक में मूवी निकल जाएगी। हाँ डेफिनेटली, पहले मूवी को लेके बहुत सारे डिस्कशन हमारे तकरीबन एक महीने से चल रहे हैं, सो सारी चीज़ें फाइनल है, और जैसा कि सर ने कहा कि आई थिंक दिसंबर में फर्स्ट शेड्यूल लगने वाला है मूवी का, तो अभी तो मैं रिवील नहीं करूँगी बहुत सारी चीज़ें, बट यस बहुत मज़ा आने वाला है शूट पे, बिकॉज इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है। हालांकि हर कोई यही कहता है कि हमारी फिल्म की स्टोरी डिफरेंट है, पर जब ये बनकर आ जाएगी तब आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये एक्चुअली में थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज इसमें आर्टिस्ट काम कर रहे हैं जो किरदार को बखूबी कैमरे पर दिखाएंगे कि उनकी चीज़ें निखर के आएंगी सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर और एक एक्ट्रेस एक्चुअल अगर फिल्म में काम करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें ऑडियंस से कनेक्ट करती है, तो ऐसा कुछ इस फिल्म में ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार, मैं हैप्पी राय की तरफ से, और सबसे पहले बोलूँगी कि अगर ये फिल्म भोजपुरी अवधि जो भी बन रही है तो हमारे जो दर्शक लोग हैं काफ़ी भोजपुरी में ही हैं, तो सबसे पहले पूछूंगी का हालदा सब बढ़िया बा, ठीक ठाक बा कि ना, तो मैं हिंदी में ही बताऊँगी बातों को। बेसिकली मैं तो सिंगर हूँ और अभी ट्राई कर रहे हैं कि एक्टिंग के लिए आऊँ मैं, बिकॉज अभी तक मैंने कोई फिल्म की नहीं है। सो ये फिल्म दबदबा जो है, बालकृष्ण जी डायरेक्टर हैं हमारे, और इन्होंने काफ़ी हिंदी मूवी भी की है और भोजपुरी भी की है, जहाँ तक ये मेरे फ्रेंड हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं, सो इन्होंने हमें बताया कि मैं कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ, जो कि इसमें एक्टर हैं थे, ये इन्होंने कुछ फिल्में की हुई हैं इन्होंने भी, तो बोले कि मैं सब अलग लोगों को ले रहा हूँ जो अभी तक
थोड़ा सा अलग है भोजपुरी में, और वो हिंदी से भी मैच खाते हैं। अगर ये फिल्म हमारी अच्छी रहेगी तो इसको हिंदी में भी रिलीज़ कर सकते हैं। अगर ये फिल्म अच्छी बन गई और देखने में लगा कि नहीं हाँ कुछ लेवल पे है, तो इसको हिंदी में बनाया जा सकता है, मतलब रिलीज़ करेंगे हिंदी में। सो कंग्रेचुलेशन बालकिशन जी को। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सबको नमस्ते बोलना चाहूँगी। मेरा नाम शिवानी बैस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं, और ये सेकेंड टाइम मूवी कर रही हूँ मैं सर के साथ। मैंने पहले सर के साथ मूवी कर चुका है जो श्याम बाबा पे थी, खाटू श्याम जी पे मैंने मेन लीड का कैरेक्टर किया था, और ये मेरी अभी सर के साथ सेकेंड मूवी होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या शुभकामनाएं होंगी? ये फिल्म के लिए मैंने, ये जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, ये बहुत, इन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया, मतलब मैं बहुत बड़ा एक्साइट हुई, क्योंकि ये जो भी गाने बनाए गए इनके साथ तो बहुत अच्छे ही गाने बनाए गए। मेरे को अच्छा काम करने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके साथ हमेशा काम करता हूँ, बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, अच्छा कोरियोग्राफी करने मिलता है और छूट मिलती है, जो भी है छूट मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। सर आप क्या कहेंगे पूरी स्टार कास्ट के लिए? पूरी स्टार कास्ट के साथ साथ सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर को बहुत सारा धन्यवाद दूंगा कि आज जहां पूरा सिनेमा सिमट कर टीवी पर आ गया, शांत हो जाइए भैया, टीवी क्या डिमांड कर रहा है पूरा सिनेमा, आज इन्होंने एक नया विषय और तमाम कलाकारों के साथ इन्होंने जो उठाया है कदम, ये बहुत साहसिक कदम है और बहुत अच्छा कदम है, इसलिए कि इस समय बदलाव की ज़रूरत है, सिनेमा को फिर से थिएटर की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। अभी बीच में आई हुई भोजपुरी की कुछ फिल्मों ने इस बात को दर्शाया है कि हमें थिएटर की तरफ बढ़ना चाहिए, तो खासकर ये सिनेमा दोनों पहलू पर फिट बैठता है, थिएटर के लिए भी और टेलीविज़न के लिए भी। कहानी के बारे में कई लोग पूछ रहे थे, मैं बस शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताऊंगा। नाम है दबदबा, ये दो भाइयों की कहानी है, दोनों सौतेले हैं। जब तक अलग अलग थे, दो भाई दो मत में थे, तब तक दबे दबे थे, और जब दोनों एक हो गए तो फिर दबदबा वालों के बैंड बजा के रख दिए। तो ये फिल्म यही सीख देती है कि चाहे हम जैसे भी रहें, अपने घर परिवार में एक होकर रहेंगे तो बहुत सारी मुसीबतें छोटी होकर निकल जाती हैं, या तो आती ही नहीं है। तो ये हम अपने परिवार को और अपने देश को, अपने सिनेमा दर्शकों को कुछ फैमिली मैसेज देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जुड़ा जाए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लड़ा जाए अन्याय के खिलाफ, अपनी बात इस समय कहने की ज़रूरत है। जब तक हम कहेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं कि हम क्या चाहते हैं। तो हम लोगों का काम रहता है कि अपनी कलम के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और कलाकारों के माध्यम से समाज को अपनी बात पहुंचाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो है कहानी को लेकर बहुत सारी बात हो रही है, फिल्म में गाने के लिरिक्स को लेकर अगर कुछ बताए कि क्या कुछ सर ने ब्रीफ किया है, और अगर बताए कि कितने एक्साइटेड है, क्या तैयारियां चल रही है? जी देखिए, मैं अभी तो मैं अपना सा बात मानूंगा कि भैया ने मुझे अवसर दिया इसका म्यूजिक करने के लिए और लिरिक्स के लिए, तो मैं अपना पूरी जान लगा दूंगा। और अभी स्टोरी पे डिस्कशन करना है, पूरी सिचुएशन पे बैठेंगे हम लोग, तो कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर चीज़ दूं, और पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई कि फिल्म अच्छी बने और मार्केट में अच्छा बिजनेस करें। सर बहुत सारे आपके गाने आ रहे हैं, एक से एक मिलियन के ऊपर जा रहे हैं, क्या कुछ नया आ रहा है थोड़ा सा वो भी बता दें। जी नहीं, बहुत सारे गाने तैयार हैं और बहुत सारे मतलब वीडियो शूट करने बाकी हैं, तो भी सब सर के साथ भी कुछ गाने मेरे आ रहे हैं, बाकी राकेश मिश्रा जी के साथ, खेसारी जी के साथ, कौन जी के साथ कुछ गाने तैयार हैं, तो धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे शेड्यूल बनेगा वैसे वैसे रिलीज होगा। सर आप एज ए प्रोड्यूसर कितने एक्साइटेड है फिल्म करने के लिए और सर के साथ काम करने के लिए? जैसे कि बालकृष्ण भैया हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और हमें इन पर पूरा विश्वास है, और जैसे पिक्चर का नाम दबदबा है, तो ये पिक्चर जैसा नाम है उसी तरह उसी के अनुरूप खरी उतरेगी, और
समाज के साथ एक पारिवारिक मैसेज भी देगी, और इसमें यही है कि एकजुटता में जो शक्ति होती है उसी को सबको लेकर चलना चाहिए, और दबदबा है दबदबा बन के ही रहेगा। कितने एक्साइटेड है उस बारे में बताइए, और क्या कुछ लगता है कि क्या सर क्या प्लान कर रहे हैं, अगर एज एन एक्टर अगर कुछ बताना चाहे आप? यहाँ बैठने से स्टार कास्ट क्लियर हो गया आपको? नहीं, मतलब ऐसा लगता तो है अगर बताया आप उस बारे में। काफी सस्पेंस दिख रहा है मेरे को, और दबदबा भी दिख रहा है। सो मैं तो सोचूंगी सर ही आ जाए इधर, तो मैं आपको क्या करते हैं सबसे एक ही बार में पूछ लेते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि बोलना किसको है पहले। चलो आप बता रहे हैं कि सर ने जो है ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप लोगों को बताया होगा कि क्या किरदार है, अगर कुछ शेयर करना सर ने हम लोगों को तो कहानी भी बता दी है। ओके, तो आई थिंक ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं ऑफकोर्स है इस फिल्म में, सब लोग हैं जितने लोग दिख रहे हैं, बट कौन कहाँ क्या है वो बाद में पता चलेगा। तो मतलब उसमें भी सस्पेंस बना हुआ है। यस यस। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बालकिशन सर ने जो भी कास्ट डिसाइड की है बहुत सोच समझ के की है, और जो भी कैरेक्टर जिस भी रोल में सुटेबल बैठेगा आई थिंक उसमें वो उसको कास्ट करेंगे, उसमें ही डालेंगे। Exactly. कुछ ऐसा नहीं है कि कौन मतलब कौन फीमेल किसके साथ है या कौन मेल किसके साथ, पर आई थिंक जो डायरेक्टर की सोच होती है वो सबसे बेटर होती है, और वो जिसको जिस किरदार में डालना चाहेंगे हमें उन पर भरोसा है एक्चुअली। तो मुझे यकीन है ऐसा कि वो अगर ऐसा करेंगे जो भी जहाँ पे भी जिसको डालेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और बाकी एक्साइटेड तो मैं हूँ सर के साथ, दूसरी बार काम कर रहा हूँ। पहली बार जब सर के साथ मैंने काम किया था तो ऐसा लगा था मुझे कि आउटपुट बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं, पर जब मैंने आउटपुट देखा तो मेरा एकदम पर्सपेक्टिव, मेरा जो विजन है बिल्कुल चेंज हो गया, और उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि आगे जो भी मैं काम करूंगा सर के साथ मुझे और ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिकॉज जब हम लोग सेट पर काम कर रहे थे तो सर का आउटपुट का जो विजन था वो उतना प्रॉपर मुझे नजर नहीं आ रहा था, पर वो जब आया तो वो कमाल का था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी के बाद सर के साथ और अच्छे काम में और अच्छा आउटपुट दे पाऊंगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या पूछिए सर? किस तरह की तैयारियां चल रही है? जैसे मैंने तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया ना, मैं कल ही मिली हूँ सर से, तो मुझसे ये सवाल करके फायदा नहीं। बाकी सर जो कैरेक्टर देंगे तो एज एन एक्टर एवरीबडी शुड बी फ्लेक्सिबल, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि हर एक्टर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कोई भी रोल कोई भी किरदार को निभाने के लिए। तो ठीक है, वो जैसे बोलेंगे हम वैसे वैसे करते जाएंगे। डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन दिखाना, एक्टर का काम है एक्टिंग करना। आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में, किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं सर से? मैं फर्स्ट टाइम हमारी दोस्त प्रियांशु के थ्रू ही मिला था मैं, और जब मैं फर्स्ट टाइम मिला उनके जो आइडियाज़ हैं ना बहुत क्रिएटिव हैं। एक या दो महीने हुए हैं मुझे सर से मिले हुए, और मैं साथ में फिल्म कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है। कि जब क्या होता है ना, जब डायरेक्टर क्रिएटिव होता है ना तो आर्टिस्ट अपने आप ही क्रिएटिव वाला काम कर देता है, क्योंकि काम करवाने वाला बेहतर होना चाहिए। काम तो फिर गधे घोड़े से भी लोग करा लेते हैं, मतलब सॉरी मुंह से निकलने वाला प्लीज़ ये जहाँ सारी है। मतलब क्या होता है ना, एक्टिंग करवाने के लिए डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। डायरेक्टर का ही रोल होता है, डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है, मतलब अगर तो नहीं करेगा आदमी कैसे होगा। तो सर बहुत क्रिएटिव हैं, और सर के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं हम, और होप सो जब आज हमारी सब डिस्क्लोज हो गया है कास्टिंग तो अच्छा काम करेंगे साथ में। बाकी तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा आउटपुट क्या रहा है। और एक चीज़ और कि हमारे जो डायरेक्टर जी हैं बालकिशन जी, तो इन्होंने बोला भी था इनके बारे में, जो एक्टर है हमारे कुंदन जी, तो बोला कि अभी मैं ऐसे मेरे को जहां तक मुझे बताया, क्योंकि हम लोग फ्रेंड भी हैं डायरेक्टर बाद में, बिकॉज मैं भी यूपी से और ये भी यूपी से, तो इन्होंने मुझे बोला कि इस बार मैं ऐसे हीरो को लेकर आ रहा हूँ जो पूरा ही एक्शन एक्शन करता रहेगा। तो मैं भी सोची कौन है भाई। तो इनकी एक फिल्म भी आ रही है यामिनी सिंह के साथ, तो कौन सी है आपकी? मिशन चाइना। मिशन चाइना, वो मैंने ट्रेलर देखा आपका, काफी ही बेटर था। तो मुझे जहां तक लगता है इस फिल्म में ये काफी फिट हो रहे हैं, बाकी जितने लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ही फिट हो जाएंगे। सो कांग्रेचुलेशन मैं बोलूंगी बालकिशन जी को।